हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दीप आर्ट क्रिएशंस। तो हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। यहाँ मैं लेके आई हूँ अगेन एक डीआईवाई जिसे मैंने बनाया है एक कप बॉक्स से। मतलब जो कप के जो बॉक्सेस होते हैं उससे मैंने बनाया हुआ है ये, और ये एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सके। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगते हैं और मुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का जो डीआईवाई है ये मैंने बनाया हुआ है एक कप बॉक्स से। यहाँ 6 कप का जो बॉक्स था ये मेरे पास पड़ा हुआ था, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ अभी ये कैरी बैग। कैरी बैग ये आपको आसानी से आजकल घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि सामान इसमें ही आ रहा है आजकल। तो इसमें मैं फेविकोल लगा के और सारा का सारा जो कैरी बैग है इसमें कटिंग करके इसमें स्टिक कर दूंगी। रीज़न ये है कैरी बैग लगाने का कि आपका जो बॉक्स है इसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी। अदरवाइज़ क्या है कि ये कागज़ का है तो ये फट सकता है। तो आपको भी इसी तरीके से कैरी बैग लगाना है अगर आप इसमें पेपर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसको बनाने के लिए वेलवेट पेपर का यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैरी बैग लगाया। अगर आप कपड़े का यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप वेलवेट कपड़ा लगाते हैं इसमें, तो आपको इसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कपड़ा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे कवर कर लिया, जिस तरीके से बाहर किया है उसी तरीके से मैं अंदर भी यहाँ पे इसी पेपर को लगाने वाली हूँ। मेरा मतलब है ये जो हमने कैरी बैग लिया था इसको लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप वेलवेट के कपड़े का यूज़ करें, तो आपको इस कैरी बैग को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप इसे लगा लीजिएगा, ताकि आपका जो ये बॉक्स है बहुत ही मजबूत बने, अच्छा बने। देखिए पूरा का पूरा मैंने लगा लिया है और ये सूख भी चुका है। इसे मैंने सुखाने के लिए रखा हुआ था थोड़ी देर, 1-2 घंटा, और अभी अच्छे से सूख गया है। तो अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ रेड वेलवेट पेपर। तो देखिए मैं इसको बाहर से इस पेपर को लगा लूँगी और अंदर मैं यहाँ पे दूसरा कवर करूँगी। तो चलिए इसे लगा लेते हैं। तो मैंने रेड वेलवेट पेपर जो है अच्छे से लगा लिया है, और अब अंदर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन पेपर का। तो चलिए अब यहाँ पे मैं गोल्डन पेपर को कटिंग करके लगा लेती हूँ, और इसी तरीके से आप लोगों को भी लगाना है। इसका पीस काट लूँगी मैं और ऊपर स्टिक कर दूँगी, और जो मेरी छोटी छोटी जगह है उनके लिए चाहे तो आप छोटे छोटे पीस लगा लीजिए, या अगर आप लंबी एक पट्टी काट के लगाना चाहते हैं तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से, देखिए मैंने पट्टी काटी है और अब मैं इसे लगा लूँगी। तो इस तरीके से लगा लिया, और जो छोटी जगह है तो वहाँ पर आप छोटे छोटे पीस कटिंग करके लगा लीजिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है मेरा कवर हो जाएगा, और ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें अलग से कुछ पट्टियाँ लगाई हुई हैं। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है वो लगा लिया है, और इस तरीके से आपको लगाना है। और बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं करने वाली हूँ इसमें डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए मैंने गोल्डन पेपर ही लिया था, और जिसकी अब मैं रिंग बनाने वाली हूँ। रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक राउंडर चाहिए, और इसकी सहायता से आप 3 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक सबसे बड़ा, सेकंड उससे छोटा, और तीसरा सबसे छोटा। और उसके बाद आप उसको कैंची की सहायता से जो है वो कटिंग कर लीजिए। तो देखिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ करा है, और उसके अंदर मैं अब छोटा सर्कल ड्रॉ करूँगी, और फिर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूँगी, और फिर मैं उसको कैंची की सहायता से कटिंग कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने सर्कल जो है वो कटिंग करे हैं। तो देखिए सर्कल मेरे कट ड्रॉ हो चुके हैं, और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों को भी इसी तरीके से कटिंग करनी, ज़रूरी नहीं कि आप यही पैटर्न ड्रॉ करें, आप कुछ और भी पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, या तो फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं आप गोल्डन कलर से। तो इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर ली है, और अब मैं इसे लगा के आपको बताने वाली हूँ कि पूरा का पूरा पैटर्न जो है मेरा कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं बॉक्स पे। आपके सहूलियत के हिसाब से इसे लगा लीजिएगा, छोटा बड़ा, जैसे आपको अरेंज करना, जो पैटर्न आप क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका एक फाइनल लुक, कि ये लगने के बाद सर्कल किस तरीके से हमारा ये दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है ये मोती वाली लेसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टिकर वाली लेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं पूरा का पूरा राउंड में लगाने वाली हूँ, और उसके बाद देख लीजिएगा इसका जो लुक है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने लगा लिया है, और
देखिए पूरे में मैंने लगा लिया है और कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। सिंगल सिंगल इसमें से मोती निकाल के मैं लगा लूंगी तो थोड़ा सा लुक इसका और भी अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ इसे और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका एक फाइनल लुक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब मैं गोल्डन कलर की जो मेरे पास पेपर बचा था उसी से मैंने ये पट्टियाँ काटी हैं और चारों तरफ मैं इसको लगा लूँगी। तो ये मेरा जो बॉक्स है कंप्लीट एकदम हो जाएगा और मैं इसको आपका एक बार इसको फाइनल आपको इसका लुक दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। और एक बात, मैंने यहाँ पे वेलक्रो का यूज़ किया था इसको स्टिक करने के लिए जो कि आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।